नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस चैनल दीप पटेल 01 पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होती है एक सेल्स फनल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सेल्स फनल के बारे में। सेल्स फनल एक ऐसी चीज़ होती है, एक बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जो कि मार्केटर्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन आज मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं उसमें आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ कि वॉट इज़ अ सेल्स फनल, ताकि आपको सारी उसकी बेसिक चीजें पता चले कि एक सेल्स फनल क्या है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, ताकि आप सेल्स फनल का यूज कर सको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए और उससे ज्यादा पैसे कमा सको। ठीक है, तो ये सारी वीडियो में मैं ये पूरी चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये एक पूरी वीडियो सीरीज है जिसमें मैं आपको अलग अलग टाइप के सेल्स फनल भी बताऊंगा, क्या होता है उसका मतलब, कैसे उन्हें बनाया जाता है, कैसे उन्हें यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो अगर आप पूरी तरह से जानना चाहते हो कि क्या है सेल्स फनल। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। और उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो यार नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबा देना, क्योंकि अगर आप उसे दबा दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको बहुत सारे ऐसे कमाल के वीडियोस देखने मिलेंगे जिनसे आप मेक मनी ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ लेट्स जंप इनटू द कंटेंट। ठीक है, तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे और आपको पूरी चीज़ बताता हूँ कि कैसे आप एक सेल्स फनल समझ सकते हो, कि सेल्स फनल का मतलब क्या है, सेल्स फनल का मीनिंग क्या है और सेल्स फनल का यूज़ क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ, तो ये देखो ये मेरा लोगो है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल जो कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज सेल्स फनल। तो यार सेल्स फनल एक बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जिसका कई सारे मार्केटर्स इस्तेमाल करते हैं अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि सेल्स फनल और उसका मीनिंग क्या होता है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सेल्स फनल का, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो चल के स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स फनल कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे से आप एक कस्टमर को पहले, यहाँ से एक लीड जाता है या एक कस्टमर जाता है, उसके बाद ये एक सेकेंड स्टेप होता है, उसके बाद ये थर्ड स्टेप होता है, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस तरह के स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है किसी भी कस्टमर को कोई भी एक प्रोडक्ट सेल करने का, उसे सेल्स फनल कहा जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलो आप यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स देख सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप इन सब वेबसाइट पे विजिट कर चुके होंगे, फॉर एग्जांपल flipkart.com, amazon, myntra, jabong, tataclicks। तो कभी भी अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाते हो और आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ और मुझे परचेज करना है एक क्रिकेट बैट। ठीक है, तो मैं क्रिकेट बैट सर्च करूँगा और मुझे वहाँ पे एक क्रिकेट बैट मिल जाएगा, मैं वहाँ पे परचेज करने जाऊँगा। तो आप वहाँ पे नीचे देख सकते हो कि अगर मैं एक क्रिकेट बैट परचेज करना चाहता हूँ तो साथ ही में मुझे वो कई सारी चीज़ें सजेस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल सजेस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल स्टम्प सजेस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी एक क्रिकेट किट भी सजेस्ट करेगा क्रिकेट बैट के साथ ही साथ। तो ये सब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सब रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और ये सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या है कि कस्टमर खरीदने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्हें अपसेल्स भी कह सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन एक क्रिकेट बैट खरीद रहा है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो साथ में एक क्रिकेट बॉल भी खरीदेगा या एक क्रिकेट स्टंप भी खरीदेगा। तो ये जो क्रिकेट बॉल और क्रिकेट स्टंप है इन्हें हम अपसेल्स कह सकते हैं, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ इन प्रोडक्ट्स को भी आप सेल कर सकते हो एक बेसिक सिस्टम और एक बेसिक सेल्स प्रोसेस के जरिए। इस सेल्स प्रोसेस को ही एक फनल कहा जाता है। अब मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ किस तरह से आप खुद सेल्स फनल पे आ चुके हो, कई बार अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये मानना है कि आप अभी मैकडॉनल्ड्स में जा रहे हो। ठीक है, अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर मैकडॉनल्ड्स में जाता है, वहाँ पे वो जाके सिर्फ एक बर्गर खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर मैकडॉनल्ड्स में जाता है और उसका सिर्फ एक ही इरादा है कि वो एक बर्गर खरीदना चाहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे जाता है, अपना ऑर्डर प्लेस करता है।
जैसे ही वो कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, वो जो सेल्समैन होता है वो उस कस्टमर को पूछता है कि क्या आप बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज या कोक या ऐसी कोई और चीज़ लेना चाहोगे। तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स बेसिकली 70% कस्टमर इस चीज़ को हाँ बोलते हैं कि हाँ वो बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज भी लेना चाहते हैं और साथ में कोक भी लेना चाहते हैं। तो ये एक बेसिकली सेल्स प्रोसेस है जिसमें आप एंटर होते हो सबसे पहले मैकडोनल्ड्स में, उसके बाद क्या होते हो कि आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो आई वांट टू बाय अ बर्गर, उसके बाद आप बर्गर का ऑर्डर करते हो, तब सेल्समैन आपको अपनी सेल्स लेटर से एक एक्स्ट्रा चीज़ सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक सेल्स लेटर में लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे यस बोलते हो, ठीक है। तो यानी कि आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए थे और उन्होंने आपको एक दो तीन और भी कितने सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल्स फनल कैसे काम करता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। तो सबसे पहले आप मैकडोनल्ड में गए तो आप क्या हुए, कस्टमर, ठीक है। तो यही होता है एक लीड, सेल्स फनल में एक लीड होता है। सबसे पहले लीड का मतलब ही होता है एक कस्टमर, जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, फॉर एग्जांपल किसी एक वेबसाइट पे कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, ठीक है। तो ये एक लीड हो गया, ये एक कस्टमर हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ प्रोडक्ट। तो अब कस्टमर क्या करता है कि किसी भी वेबसाइट पे जाएगा तो कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदेगा। फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड्स में जाओगे तो आप बर्गर खरीदने जाओगे, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये जो मेन प्रोडक्ट है वो वाला प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। तो आप मैकडोनल्ड्स में गए, आपको उन्होंने फ्रेंच फ्राइज ऑफर किए, तो ये क्या हो गया, ये एक अपसेल हो गया। आपका वो जो मेन प्रोडक्ट था वो तो आपने खरीदा ही, साथ ही साथ आपने ये जो अपसेल प्रोडक्ट है वो भी खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने आपको ये सजेस्ट किया अपसेल नंबर 2 जो कि है कोक। तो यार आप अगर देखो तो वहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आपको कोक भी साथ में खरीद लेना चाहिए। तो ये आपके पास 2 अपसेल हो गए उनके, ठीक है। यानी कि आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए थे और उन्होंने आपको फ्रेंच फ्राइज सेल किए, ये दूसरा अपसेल हुआ। उसके बाद उन्होंने आपको कोक सेल किया, ये दूसरा अपसेल हो गया। और उसके बाद वो आपको पानी भी सजेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे हो गए टोटल 3 अपसेल्स, यानी कि मिनरल वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो लोग आपको ये चीज़ कहते हैं कि अगर आपको मिनरल वाटर चाहिए तो वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैकडोनल्ड्स इस बर्गर के ऊपर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो भी वो फ्रेंच फ्राइज, कोक और पानी, इन तीनों चीज़ों पे आपसे वो प्रॉफिट कमा लेगा। तो यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना है सेल्स फनल का। कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करो, एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसके रिलेटेड जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट को आप एक ही कस्टमर को सेल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम चलते हैं इस कोर्स के नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या होता है एक सेल्स फनल, ठीक है। सेल्स फनल एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट सिस्टमैटिकली एंड प्रॉफिटिंग विथ अपसेल्स। यानी कि आप एक प्रोसेस बना रहे हो जिससे आप एक जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो सेल करोगे और साथ ही साथ अपसेल यानी कि उसके रिलेटेड बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल करोगे और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा वो आपका यहाँ पे अपसेल्स की मदद से निकलेगा। तो बेसिकली ये होता है एक सेल्स फनल। सेल्स फनल एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप एक कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल करते हो, जबकि वो कस्टमर सिर्फ एक ही चीज़ खरीदने आया होता है आपके पास, ठीक है। तो ये है सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि है एक सेल्स फनल का, जो कि आपको बेसिकली समझना है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कोर्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स फनल एक टूल है जो कि कई सारे ऑनलाइन बिजनेसमैन यूज़ करते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो डिजिटल प्रोडक्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोर्सेज हो सकते हैं, कई सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि सेल करने के लिए ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो सेल्स फनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेबसाइट से जो सेलिंग होती है उसकी ये प्रॉब्लम है कि वेबसाइट से सेलिंग
पूरी तरह से नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, आप उस पर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी एक अपसेल सेल करना साथ में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास एक सेल फनल है तो आपको उस प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा एक फनल की मदद से। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि फनल्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सेल्स टूल या एक ऐसा सेल्स लेटर आपको बनाना है जिसमें आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो एक ही प्रोडक्ट को मेन टारगेट करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वाई यू शुड यूज़ अ सेल्स फनल, क्यों लोग सेल्स फनल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम देना है, ठीक है, और आप यहाँ से ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो ये चीज़ है कि इसकी वजह से आपको सेल्स फनल यूज़ करना चाहिए। दूसरा, आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे। तीसरा, आपको यहाँ से रिकरिंग कस्टमर मिलेंगे, क्योंकि एक बार आपने यहाँ से एक लीड कलेक्ट कर लिया ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो वो आपके लिए एक रिकरिंग कस्टमर हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए आपका वो कस्टमर बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपसेल प्रॉफिट्स, तो आप यहाँ पे एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट सेल करके लाइफ टाइम के लिए उसे अलग अलग चीज़ें प्रमोट कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें अपसेल कर सकते हो। और लास्ट सबसे मेन पॉइंट है कि कस्टमर बिकम्स योर लीड फॉर लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम के लिए उस कस्टमर ने आपको एक ईमेल प्रोवाइड कर दिया है, या तो फिर उसका कोई भी एक ऐसा कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर दिया है जिससे आप लाइफ टाइम के लिए उस कस्टमर से कभी भी कनेक्ट कर सकते हो और उस कस्टमर को कोई भी एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो, और उस रेकमेंडेशन और सजेशन से अगर वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आप यहाँ से पैसे कमाते हो। तो इसीलिए सेल्स फनल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका आपको यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे 6 तरह के सेल्स फनल होते हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या होता है एक सेल्स फनल, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 6 टाइप के जो सेल्स फनल होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, मेनली 6 तरह के सेल्स फनल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि वो कौन से सेल्स फनल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देयर आर 6 टाइप ऑफ सेल्स फनल। सबसे पहला है लिस्ट बिल्डर फनल। ये वाला जो फनल होता है वो ईमेल मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड होता है और इस फनल से लोग काफ़ी लंबी ईमेल लिस्ट्स बनाते हैं और उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दूसरा होता है वीडियो सेल्स लेटर फनल। इसमें एक वीडियो के जरिए पूरा एक सिस्टम बनाया होता है जिससे लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तीसरा होता है 1-पेज कैंपेन, एक ही पेज की मदद से काफ़ी चीज़ें सेल की जाती हैं। चौथा होता है ई शॉप कैंपेन, जो कि ज़्यादातर ई कॉमर्स प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है। पांचवा होता है मेंबरशिप सिस्टम फनल, यानी कि किसी भी एक वेबसाइट पे आप एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें कोई किसी एक कस्टमर को एक मेंबर बनना पड़ता है, यानी कि पर मंथ उसे एक पर्टिकुलर फीस पे करनी पड़ती है अगर वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहता है। और चौथा है 4-day cash machine फनल। तो ये 6 तरह के फनल्स हैं जिन फनल्स को आप क्रिएट कर सकते हो और इन 6 फनल्स का यूज़ किया जाता है 2020 के अंदर ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिस्ट बिल्डर फनल के बारे में। पूरी एक वीडियो होने वाली है जिसमें मैं पूरी तरह से डिस्कस करूँगा कि क्या होता है एक लिस्ट बिल्डर फनल, कैसे आप बना सकते हो एक लिस्ट बिल्डर फनल, क्या होते हैं उसमें स्टेप्स और ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा का पूरा एक जो डिटेल्ड वीडियो है लिस्ट बिल्डर फनल के बारे में वो आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट 2 दिन में पोस्ट होने वाला है। तो उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम VSL फनल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें ये, और इसी तरह से इन 6 के 6 टाइप्स ऑफ फनल्स पे एक एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होती है ये अलग अलग टाइप्स की फनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक नई कोर्स और एक नया सीरीज मैं यहाँ पे अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे प्रेस कर देना और लाइक बटन दिया है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के कमाल के वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ इस चैनल के ऊपर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।